1993 में शुरू हुई जेट एयरवेज ने सिर्फ 2 सालों के अंदर ही इंडिया का 20% मार्केट कैप्चर कर लिया था और इंडियन एयरवेज के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई थी और साल 2005 तक इनका रेवेन्यू $1 बिलियन के ऊपर जा चुका था। साल 2009 में इनके फाउंडर नरेश गोयल की टोटल वर्थ करीब $700 मिलियन हो गई थी और इंडिया के ये 75th रिचेस्ट इंसान थे। लेकिन फाउंडर की सिर्फ एक गलती की वजह से साल 2019 में ये कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गई। 16,000 परमानेंट एम्प्लॉयज और 6,000 कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स की जॉब चली गई रातों रात। इस वीडियो में हम आज बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से जेट एयरवेज इंडिया की नंबर वन एयरलाइन बनी, किस तरह से वो मार्केट में फेल हो गई और हम एज एन एंटरप्रेन्योर इससे क्या सीख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो 1991 के गवर्नमेंट के लिबरलाइजेशन के बाद ओपन स्काई पॉलिसी लाई गई जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री के लिए अलाउ किया गया। अब यहां पे नरेश गोयल ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रियलाइज की कि उस समय भारत में सिर्फ 2 ही एयरलाइंस चला करती थी, एक इंडियन एयरलाइंस और एक एयर इंडिया। और उस समय इंडिया में एयरलाइंस सेक्टर में एक बड़ा गैप क्रिएट था और भी एयरलाइंस कंपनीज की जरूरत थी। नरेश गोयल ने यहाँ पे गल्फ एयर और कुवैत एयर की सपोर्ट की वजह से 4 एयरक्राफ्ट को लीज पे लिया और 1993 में जेट एयरवेज का ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अपने ऑपरेशन के पहले साल में ही इन्होंने 7,30,000 से ज्यादा पैसेंजर्स को अपने एयरलाइंस के थ्रू ट्रेवल कराया और 1996 में इंडियन एयरवेज के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी इंडिया की एयरलाइन कंपनी बनी 20% मार्केट शेयर के साथ। इसके बाद जेट एयरवेज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने कई नए एयरक्राफ्ट को अपने साथ जोड़ा और साल 2002 में ये इंडिया की नंबर वन एयरलाइन कंपनी बन चुके थे। साल 2004 में गवर्नमेंट ने 520 रूल लॉन्च किया। उसमें ये था कि कोई भी कंपनी जिसके पास 20 फ्लाइट्स हो और वो 5 साल इंडिया में ऑपरेशन कर चुकी हो वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ा सकती है। और यहीं पे जेट एयरवेज के पास एक बड़ा मौका दिखाई दिया और उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना चालू कर दिया। अभी तक जितने भी इंडिया में फ्लाइट्स उड़ रही थी उनके टिकट प्राइस हमेशा हाई हुआ करते थे और वो स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे अपने कस्टमर्स को फ्लाइट के अंदर, जैसे कि उनको फूड्स दिया जाता था, उनको कुछ नए बेवरेजेस दिए जाते थे। लेकिन एक नई मार्केट इंडिया में डेवलप हो रही थी मिडिल क्लास की, जो कि फ्लाइट में ट्रेवल करना चाहते थे एक जगह से दूसरे जगह अपना टाइम बचाने के लिए, और लेकिन उनको टिकट के प्राइस काफी कम चाहिए थी और उनको कोई स्पेशल फैसिलिटी भी नहीं चाहिए थी। इसी नीड को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत होती है साल 2004 में। इंडिगो एयरलाइंस काफी लो कॉस्ट में अपनी एयरलाइंस की फैसिलिटी इंडिया में देना चालू करता है और इसी बीच जेट एयरवेज ने अपना आईपीओ भी इंडिया में लॉन्च किया था जिसका शेयर प्राइस था ₹1100 और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 112,000 करोड़ था। आईपीओ से आए हुए पैसे को जेट एयरवेज ने 2 चीजों में खर्च किया, एक अपना नए एयरक्राफ्ट बाय किए, दूसरा इन्होंने इंडिगो को मार्केट से बाहर करने के लिए एयर सहारा को खरीदा करीब 1470 करोड़ में। अब दोस्तों 1470 करोड़ की डील काफी महंगी थी और यहां पे जेट एयरवेज की टीम ने भी नरेश गोयल को मना किया इस डील के लिए, लेकिन वो काफी रिजिड थे अपने बिहेवियर में और उन्होंने ये डील क्रैक किया और यहां पे उन्होंने अब एयर सहारा का नाम बदल के जेट लाइट कर दिया और अब जेट लाइट पूरी तरह से कंपटीशन को तैयार थी इंडिगो एयरलाइन के साथ। तो अब यहां पे आप समझ सकते हैं जेट एयरवेज के पास 2 टाइप की फ्लाइट थी, एक हाई कॉस्ट कैरियर मतलब जहां पे कस्टमर को हाई टिकट प्राइस होगा और स्पेशल सर्विसेज दी जाएंगी, और दूसरा लो कॉस्ट कैरियर मतलब जहां पे टिकट का प्राइस कम होगा और कस्टमर को कुछ ज्यादा सर्विसेज नहीं दी जाएंगी, जो कि इंडिगो भी कर रहा था। अब इसके बाद साल 2007 में आता है रिसेशन और यहां पे क्रूड के प्राइसेस लगातार बढ़ते जाते हैं। साल 2007 में जो क्रूड का प्राइस $76 पर बैरल था वो 2008 में बढ़ के $132 पर बैरल हो गया, जो कि करीब 73.6% का राइज था। अब यहाँ पे जितनी भी इंडिया में फ्लाइट्स थी वो सब लॉसेस में जाने लगी थी, जितनी कंपनियां थी उन सबको लॉसेस फेस करना पड़ा, चाहे इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, जेट एयरवेज हो या किंगफिशर हो। लेकिन इसके बाद जो रिकवरी थी वो सबसे ज्यादा अलग कहानी है। अब अगर आप 4 बड़ी कंपनी का रिकवरी देखेंगे रिसेशन के बाद का, तो उसमें दिखाई देगा सिर्फ इंडिगो प्रॉफिट में सबसे जल्दी आई और बाकी सारी कंपनियां लॉसेस फेस कर रही थी। दोस्तों अब हमें इसको समझना है तो एक एग्जांपल से समझना होगा। अब जैसे कि किसी एरिया में एक किराने वाला है जिसका नाम है जेट एयरवेज, उस किराने वाले के पास हमेशा अमीर लोग ही आया करते थे अपना किराने का सामान लेने, इसीलिए वो काफी अच्छी उसकी पैकेजिंग करता था और वहां पे एसी रूम्स हुआ करते थे जहां पे लोग अपने मन से सामान परचेस करके लेते थे, वो काफी सारी फैसिलिटीज यहां दिया करता था। अब इस वजह से वो ₹10 का एक सामान को वो ₹15 में बेचा करता था। लेकिन उसके बगल में ही एक नई दुकान खुलती है जिसका नाम था इंडिगो। अब इंडिगो ने क्या किया, वो नॉर्मल लोगों के लिए भी वो सामान बेचना चालू किया और वो ₹10 की चीज सिर्फ ₹11 में बेचता था, उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन वो लोगों को सही सामान बेचा करता था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जेट एयरवेज की दुकान छोड़ के दूसरे किराने वाले की दुकान पे जाने लगे, क्योंकि लोगों को पैकेजिंग से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को क्या सामान चाहिए उससे फर्क पड़ता है। अब ये देख के जो जेट किराने वाले का ओनर है, मान लो उसका नाम है नरेश, नरेश ने एक और नई दुकान बगल में खोल दी, उसका नाम उसने रखा जेट लाइट।
अब उस किराने वाले ने भी इस नए किराने वाले इंडिगो के साथ कंपटीशन करना चालू कर दिया। इसी बीच मान लो आ जाता है कोविड, कोविड के टाइम पे तीनों दुकानों को बड़ा लॉस होता है, लेकिन अब जब कोविड खत्म होगा तो सबसे ज्यादा लॉस किसके ऊपर है, उस दुकान के पास जिसके पास ये दो बड़ी दुकानें हैं, क्योंकि उसको दोनों का कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। और जो इंडिगो नाम की दुकान है उसको भी लॉस हुआ, लेकिन उसको इन कंपैरिजन काफी कम लॉस हुआ, क्योंकि उसको पैकेजिंग मटेरियल वो काफी कम यूज करता था, वो कॉस्ट टू कॉस्ट सामान खरीदता था, थोड़ा सा पैसा बस खाली बढ़ा के वो कस्टमर को बेच दिया करता था। लेकिन जो जेट नाम के किराने वाला था उसके पास अब दो लायबिलिटी थी, एक उस दुकान की और एक जेट लाइट नाम की दुकान की। उसको इन दोनों का कॉस्ट बियर करना था कोविड के टाइम में, और उसमें भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये नरेश नाम का आदमी ये दोनों दुकानों को पैरेलली अकेले चला रहा था। यही प्रॉब्लम हुई जेट एयरवेज के साथ। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल, ये जो जेट लाइट और जेट एयरवेज दोनों वो अकेले ही चला रहे थे, उनके पास कोई बड़ी मैनेजमेंट की टीम नहीं थी। और जिस तरह से आपने दोनों एग्जांपल में समझा, इंडिगो को भी लॉसेस हुए, जेट एयरवेज को भी लॉसेस हुए रिसेशन के टाइम में, लेकिन ज्यादा लॉस जेट एयरवेज को हुआ क्योंकि उनके पास बैगेज ज्यादा था। वही इंडिगो 2005 में शुरू हुई थी और उनके ऊपर बैगेज कम था, उनके ऊपर डेट काफी कम था, जिस वजह से कस्टमर जब रिसेशन खत्म हुआ, इंडिया में कस्टमर ज्यादा बढ़ने लगे, तो उन्होंने लो कॉस्ट कैरियर चूज किया, मतलब उन्होंने इंडिगो चूज किया। अब यहाँ पे इंडिगो का प्रॉफिट अब साल 2009 के बाद लगातार आप बढ़ते हुए देखेंगे। साल 2009 में जेट एयरवेज ने 1900 एम्प्लॉइज को निकाल दिया और इसके बाद उन्होंने री ऑपरेशन चालू किया। अब यहाँ पे नरेश गोयल ने 2009 के बाद एक और नई कंपनी शुरू की, जेट कनेक्ट नाम की। अब जेट कनेक्ट और जेट लाइट ये दोनों कंपीट कर रही थी इंडिगो के साथ। अब यहाँ पे जेट एयरवेज के पास दो सब्सिडियरी थी जो लो कॉस्ट मॉडल में काम करती थी और जेट एयरवेज खुद हाई कॉस्ट मॉडल में काम कर रही थी। साल 2012 में जेट एयरवेज पूरी तरह से कंपटीशन कर रही थी इंडिगो के साथ, लेकिन वो चाह के भी अपने जो टिकट के प्राइसेस थे वो इंडिगो से कम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा था उनके लिए। उनके पास पहले का भी डेट का बैगेज था जो कि इंडिगो के पास नहीं था, और इंडिगो काफी लो कॉस्ट में लोगों को एक अच्छी फ्लाइट की फैसिलिटी दे रही थी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की। वहीं एक और यहां पे आप बड़ा रीजन समझेंगे कि फ्यूल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 30-50% के बीच में जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है एक फ्लाइट को उड़ाने का, वो सिर्फ फ्यूल कॉस्ट होता है। और यहाँ पे जो बड़ी सर्विसेज जेट एयरवेज वगैरह दे रही थी, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा फूड हो गया या बहुत सारी नई फैसिलिटीज हो गई, वो सब भी वेट बनाता है एक फ्लाइट में, जिस वजह से फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आता है। लेकिन इंडिगो यहाँ पे क्या कर रही थी, उसने बहुत सारे कॉस्ट कट किए। इंडिगो कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं दे रही थी लोगों को, जिस वजह से उनका जो फ्यूल कॉस्ट भी था वो काफी कम आ रहा था, और साल दर साल अब इंडिगो प्रॉफिट में जा रही थी और जेट एयरवेज लॉसेस में जा रही थी। साल 2012 में एतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज में करीब 24% शेयर खरीदा, लेकिन इसके अगले साल ही जेट एयरवेज को 2013-14 में करीब $36 मिलियन का लॉस हुआ। अब इसके बाद कॉस्ट कम करने के लिए जेट एयरवेज ने जो जेट कनेक्ट शुरू किया था उसको बंद कर दिया अपने डेट और ज्यादा कम करने के लिए, लेकिन कोई भी चीजें इनको काम नहीं किया। और साल 2018 आते आते कंपनी एक बहुत बड़े लॉस में चली गई और कंपनी करीब $1.2 बिलियन के डेट में थी। इसके बाद इन्होंने अपना ऑपरेशन इंडिया में बंद कर दिया और करीब 20,000-22,000 एम्प्लॉइज निकाले गए, उनसे जुड़ी करीब 60,000-70,000 जो फैमिलीज थी वो सब बेघर हो गई। ये हुआ अंत जेट एयरवेज का। तो ऐसे हुआ था जेट एयरवेज का अंत, और अभी कहा जा रहा है कि कुछ टाइम बाद जेट एयरवेज फिर से इंडिया में शुरुआत होने वाली है। तो ये तो आगे देखना होगा कि जेट एयरवेज इंडिया में इंडिगो के साथ किस तरह से कंपटीशन करती है। दोस्तों, हम इंडिगो के बारे में डिटेल किस स्टडी बनाएंगे, उसमें हम इंडिगो के बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या गलतियां जेट एयरवेज ने की जो कि हमको नहीं करनी है। तो अगर हम इनकी सबसे पहले मिस्टेक समझने की कोशिश करें तो वो थी नरेश गोयल की रिजिड बिहेवियर। यहाँ पे नरेश गोयल जब इंडिगो के साथ कंपटीशन कर रहे थे लो कॉस्ट कैरियर्स में, तो उन्होंने सबसे महंगी एक डील की जेट लाइट, जब इन्होंने 1470 करोड़ में खरीदा। यहाँ पे उनके एडवाइजर्स ने उन्हें मना किया, लेकिन फिर भी वो ये डील करते हैं, जिस वजह से बाद में इनको काफी बड़ा डेट का सामना करना पड़ा। और जब ये लो कॉस्ट कैरियर और हाई कॉस्ट कैरियर दोनों चीजें एक साथ चला रहे थे, उस समय ये दोनों ऑपरेशन अकेले ही देखा कर रहे थे, इनके पास सेपरेट बॉडीज नहीं थी दोनों टाइप के सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तीसरी, अगर हम नरेश गोयल में प्रॉब्लम देखने की कोशिश करें कि वो सब कुछ खुद ही लीड करना चाहते थे, वो ऑपरेशन भी खुद ही दे रहे थे, वो इन्वेस्टर्स के साथ डील भी खुद ही कर रहे थे, जिस वजह से कोई भी चीजें सही जगह पे नहीं बैठ रही थी। जब यहां पे जेट एयरवेज को काफी ज्यादा फंड्स की जरूरत थी 2017-18 में, और टाटा ग्रुप भी इनको फंड करने की कोशिश कर रहा था और इसके साथ ही एतिहाद एयरवेज भी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दोनों डील पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि नरेश गोयल सारे ऑपरेशंस अकेले देख रहे थे, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग अकेले देख रहे थे, जिस वजह से ये चीजें लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाई।
तो अगर आप भी अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास हर चीज के लिए एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके ऑपरेशंस कोई और देख रहा है, आपका इन्वेस्टर्स को कोई और देख रहा है, आपका रेवेन्यू सिस्टम कोई और मैनेज कर रहा है, और उन सबको मैनेज करने का काम आपका है, बट नरेश गोयल यहाँ पे सारे काम अकेले देख रहे थे, जो कि इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से जेट एयरवेज फेल हुई। दूसरा रीजन अगर हम समझने की कोशिश करें कि इनका सबसे ज्यादा फोकस इंडिगो के ऊपर था, बट इनका फोकस होना चाहिए था अपने कस्टमर के ऊपर। ये हमेशा इंडिगो जो भी प्लान लेके आती थी, ये उसका काउंटर प्लान लेके आते थे, लेकिन नरेश गोयल और जेट एयरवेज को ये समझना था कि कस्टमर की क्या डिमांड है। कस्टमर को हमेशा चाहिए था एक लो कॉस्ट सर्विस, लेकिन ये क्या प्रोवाइड कर रहे थे, ये इसके साथ फूड्स दे रहे थे, एडिशनल फैसिलिटीज दे रहे थे, जिस वजह से कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जा रही थी। और यहाँ पे जेट एयरवेज का जो लॉसेस हैं वो इन्हीं सब चीजों की वजह से हुआ। तो हमेशा आपका फोकस आपके कंपटीटर के तरफ नहीं होना चाहिए, वो फोकस हमेशा आपके कस्टमर के ऊपर होना चाहिए। उसकी एग्जैक्टली क्या नीड है, उसका क्या प्राइस रेंज है, वहीं से आप अपने सारे डिसीजन हमेशा लीजिए। और यहाँ पे जो हम तीसरी लर्निंग इस बिजनेस मॉडल से सीख सकते हैं वो ये है कि आपका टाइम कभी भी एक जैसा नहीं होगा। साल 2003-04 में ये इंडिया के नंबर वन प्लेयर थे, लेकिन 2019 में ये बैंकक्रप्ट हो गए। तो आपको हमेशा कुछ सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको हमेशा इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसके साथ ही आपके पास कुछ बैकअप फंड्स भी होने चाहिए, और थर्ड चीज आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए कि एक अगर मॉडल फेल होता है, दूसरा आप इस बिजनेस को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का बिजनेस मॉडल। हम इंडिगो के ऊपर भी एक जल्दी केस स्टडी लेके आने वाले हैं, क्योंकि इंडिगो इंडिया के एयरलाइंस मार्केट में वो चीजें क्रैक किया जो कि कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती थी। जहां पे जेट एयरवेज और किंगफिशर जैसी बड़ी कंपनियां फेल हुई, वहीं इंडिगो ने इंडिया का 51% से ज्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा है। तो दोस्तों हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।